नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लोकसभा चुनाव में एसपी को मिली बंपर सीटों के बाद से अखिलेश यादव यूपी की राजनीति को छोड़कर केंद्र की राजनीति करने का मन बना चुके हैं। इसलिए उन्होंने करहल विधानसभा सीट और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश अभी तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को निभा रहे थे और ऐसे में अब शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। विधानसभा में सीएम योगी के सामने शिवपाल यादव दिखाई दे सकते हैं। इस साल 2 से 12 फरवरी तक बजट सत्र चला था और जल्द ही यूपी का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। तो सवाल वही है, अब कौन होगा नेता प्रतिपक्ष? क्या चाहता शिवपाल को अखिलेश सौंपेंगे कमान? इन सवालों के साथ डिबेट शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट। कभी नहीं रुके होंगे क्योंकि उनको डर लगता था, पता नहीं कब हट जाए, कब पता नहीं चाचा कब कुर्सी हथिया ले। जल्दी शपथ दिला देना ना, जो मेरे ही साथ आ जाए। वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब सेंटर की लड़ाई, अखिलेश का जोश आई। जो लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, जमीन पर जो चीजें नहीं दिखाई दी उसकी नाराजगी देखने को चुनाव में मिली उनके खिलाफ, और उसी का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारी। अखिलेश जाएंगे दिल्ली, चाचा संभालेंगे यूपी। कार्यकर्ताओं का, हमारे विधायकों का, हमारे सांसदों का मनोबल तो बढ़ा है ही, बढ़ा ही है, तो अब ठीक है, विधानसभा में ठीक ही होगा। विधानसभा में अब योगी के सामने शिवपाल। जो भी बनेगा तो इंडिया गठबंधन के सभी दल जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। संसद में भी जनता की आवाज उठेगी, युवाओं, किसानों, दलितों की, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। यूपी में कम सीट, बीजेपी करेगी समीक्षा। बात स्पष्ट है कि अखिलेश यादव अब 2027 के चुनाव में आसन हार का ठीकरा अपने सर पर नहीं फोड़ना चाहते। और चलिए महाभारत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। आपको बता दें कि समीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा नेहा यादव हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी। प्रियंका गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगी, कांग्रेस पार्टी की नेता। प्रभात जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। चाचा शिवपाल के साथ बहुत सहानुभूति थी आप सबको, अक्सर विधानसभा के भीतर चुटकी लिया करते थे, कहते थे कि चाचा शिवपाल को कुर्सी नहीं मिल रही है। अब जबकि अखिलेश यादव ने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया है, वो दिल्ली का रुख कर चुके हैं, चाचा शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिलती है तो आप लोग खुश होंगे इस बात से, और इस बात को लेकर संतुष्टि होगी कि चलिए जो सम्मान उनको अभी तक नहीं मिल रहा था वो मिल रहा है? देखिए, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष तो होता है। विपक्ष में अब तक अखिलेश यादव जी नेता थे, आगे समाजवादी पार्टी किसको बनाती है इससे हमारी खुशी और हमारी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर 2.0 दूसरी बार सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, और 5 साल में जो हमने काम किया था, योगी जी की सरकार ने जो काम किया था उस पर जनता ने मोहर लगाया और बड़े पैमाने पर हमको बहुमत दिया। हम 272 सीटें पाके दोबारा सरकार में आए, और जो काम किया है माननीय योगी जी ने, चाहे वो सुरक्षा के दृष्टि से, विकास के दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से, रोजगार के दृष्टि से, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने का जो काम किया, आज उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के साथ खड़ी है। रही बात समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी की चुटकी हम लेते थे, हम परिहास करते थे इस नाते कि आप समाजवादी पार्टी का इतिहास देखिए। अखिलेश यादव ने अपनी कुर्सी प्राप्त करने के लिए अपने पिता को निकाला, अपने चाचा को निकाला, और अखिलेश यादव ने ऐसे ऐसे फैसले किए जिससे लोगों के बीचों में समाजवादी पार्टी एक इतिहास बन गई। और समाजवादी पार्टी ने अपने शासन के कार्यकाल में जिस प्रकार के फैसले लिए, चाहे वो रोजगार के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, उनकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी रही, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा था, रोजगार में भ्रष्टाचार था, किसानों के खेत को पानी नहीं था, उत्तर प्रदेश को बिजली नहीं थी, हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं थी, इन सब को योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में सुधारने का काम किया। आज बिजली मिल रही है, अब किसानों के खेत को पानी मिल रहा, आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 13 से
शिवपाल यादव जी को बनाना है नहीं बनाना है समाजवादी पार्टी तय करे और इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है प्रभात जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्रियंका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रभात जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव ने करहल सीट से जीत दर्ज की तब वो आजमगढ़ से सांसद थे और ये कहा जा रहा था कि चूंकि पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है तो हो सकता है कि अखिलेश यादव दिल्ली में बने रहें, मतलब वो आजमगढ़ की सीट को बरकरार रखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आए, नेता प्रतिपक्ष बन गए और चर्चा ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि शिवपाल यादव के हाथ में कमान जाए, वो नेता प्रतिपक्ष बने, इस वजह से उन्होंने लखनऊ को चुना, वो दिल्ली नहीं गए। इस बार कहानी बदल गई है, इसके पीछे क्या समीकरण आप समझ पा रहे हैं? देखिए अमित जी, परिवार में जो तलखी थी जो पिछले 5 साल से आपको दिखाई दे रही थी वो अब दूर हो गई है परिवार के अंदर। शिवपाल के बेटे को एक बड़ा पद है, बदायूं से सांसद हो गए हैं। मैं तो नहीं समझ पा रहा था कि इतनी जल्दी ये सब चीज़ें कैसे ठीक हुई। जो वहाँ पे एक सबसे बड़ा फैक्टर था रामगोपाल को लेके, वो रामगोपाल को लेके जो तलखियाँ परिवार के अंदर थी वो दूर हुई और अब शिवपाल यादव जो एक मुलायम सिंह के साथ, एक मुलायम सिंह के जिसे कहते हैं लक्ष्मण के रूप में उन्होंने काम किया, मैंने तो 90 से उनको पारिवारिक रूप से जानता हूं और संगठनात्मक उनके अंदर बहुत एक क्षमता है। वो मुस्कुरा के हंस के काम कर देते हैं लोगों का, जैसे मुलायम सिंह किसी के कंधे पे हाथ रख देते हैं वो अपना हो जाता है, ऐसे शिवपाल के अंदर भी है। अब जो राजनीतिक बनवास था पिछले एक दशक से वो दूर हो गया है, परिवार में थोड़ा ठीक ठाक हुआ है। अब ऐसी स्थिति में शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष अखिलेश ने देने का मन बना लिया है क्योंकि करहल से वो तेज प्रताप को विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे और 5 परिवार के जो लोग सांसद बने हैं वो दिल्ली की राजनीति करेंगे और शिवपाल का समाजवादी पार्टी के अंदर एक संगठनात्मक बहुत अच्छा उनको एक अनुभव है। बहुत लोग उनके जो पुराने लोग हैं या नए लोग हैं वो शिवपाल के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में और विधानसभा के अंदर मैंने कई बार देखा, मैं पिछले योगी जी के 7 साल के कार्यकाल को देख रहा हूं कि लगभग 15 बार तो उन्होंने चुटकी ली होगी अखिलेश चाचा और अखिलेश के बीच में जिस तरीके से, तो एक सरलता से एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में योगी आदित्यनाथ के सामने जब शिवपाल यादव रहेंगे तो वो अपनी बात मुस्कुरा के और हंस के भी एक गंभीर बात सदन के अंदर रख सकते हैं। वो क्षमता उनके अंदर है शिवपाल यादव के अंदर। बाकी अब क्या होगा ये चल रहा है, कोई अल्पसंख्यक भी किसी को बना सकते हैं, लेकिन अब ये उनके मन में क्या है? हाँ। क्या वो मन में जो रार थी वो दूर हो गई है परिवार में? अगर दूर हो गई है तो शिवपाल का नेता प्रतिपक्ष बनना लगभग तय है। ठीक है, लेकिन कहा भी जा रहा है कि पीडीएफ फॉर्मूले पर भी अखिलेश यादव काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उस फॉर्मूले को लेकर वो और आगे बढ़े, उसको और मजबूत करें, इसलिए कुछ और नामों पर चर्चा चल रही है, उस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नेहा जी, 2016 में जो तलखी, जो कड़वाहट परिवार के बीच थी, अभी वो दूर हो गई है और जैसा प्रभात जी कह रहे हैं कि मैसेज ये जा रहा है कि ऑल इज वेल, तो क्या ये माने कि इस बार चाचा शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष का पद दे देंगे अखिलेश यादव? देखिए, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी और जो हमारी पार्टी की पूरी जो कमेटी है वो मिलकर के निर्णय लेगी आगे कि क्या कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष, कौन नहीं बनेगा, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ दीजिए। जो भी बनेगा वो विचारधारा की लड़ाई लड़ेगा, किसानों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगा, नौजवानों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगा, महिलाओं के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगा, विपक्ष की भूमिका में उत्तर प्रदेश के अंदर संघर्ष करेगा और जरूरत पड़ेगी धरातल से लेकर के सदन तक मुख्य जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को उन्हें उठाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा क्योंकि समाजवादी विचारधारा पे चलने वाला व्यक्ति ही और जो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे वही व्यक्ति नेता विपक्ष के तौर पर बैठेगा सदन में। ये जितने क्राइटेरिया आपने गिनाए इन सब पर तो चाचा शिवपाल एकदम फिट बैठ रहे हैं, तभी तो मैंने सवाल किया कि क्या आप इस बार उस रोल में नजर आएंगे जिस रोल में अभी तक नजर नहीं आए हैं और 2012 तक नजर आए थे। देखिए ये अमित जी मैं नहीं कह सकती ना जी, जी अमित जी ये मैं सिर्फ पार्टी की प्रवक्ता हूँ और पार्टी की लाइन से जो भी हमें मिलेगा, हमें बात रखने को मिलेगी तो निश्चित ही मैं कहूंगी ये शीर्ष नेतृत्व जो भी भविष्य में तय होगा, अभी तय हो जाएगा, कुछ दिनों की बात है, अभी तय हो जाएगा। प्रियंका जी, बेहतर होगा कि शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा के भीतर बैठे, गठबंधन साथी के तौर पर आप लोग चाहते हैं ये? मुझे लगता है कि जिस तरह से आवाज उठाने की बात है, अगर बुलंदी से विपक्ष बुलंदी से आवाज उठाता है तो वो प्रतिपक्ष में बैठे या दूसरी सीटों पर बैठे उसका काम होता है कि वो जनता के जो मुद्दे
उनको इतनी जोर से उठाए कि ये जो संसद है और जो ये विधानसभा है ये पूरी तरह से गर्ज। और मुझे लगता है कि वो मुद्दे ये होते हैं कि वो जनता के मुद्दे होते हैं। आप देखिए कि किस तरह से आज नीट की परीक्षा जो पूरे तरीके से आज बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, पर हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने कानों में तेल डालकर बैठी है। आप बताइए जो नकल करके बच्चा पास होगा क्या वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? उससे तो पूरे देश को खतरा है। और मुझे लगता है कि ये समझने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। आप बताइए आटे का भाव बढ़ जाता है पर भारतीय जनता पार्टी को टस से मस नहीं होती, क्योंकि ये तो काजू की रोटियां खाते हैं, इनको क्या जरूरत है आटे का भाव पता करने के। प्याज टमाटर आलू लगातार महंगा हो रहा है और वो समझ लीजिए 81% उसमें उछाल आ चुका है पिछले एक साल, पर उससे क्या फर्क पड़ता है, प्याज तो ये खाते हैं। तो जनता के जो मुद्दे ही नहीं मैटर कर रहे हैं इनके लिए, तो असलियत ये है कि विपक्ष का जो काम है वो जनता के मुद्दों को उठाना है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो पेपर लीक की समस्या हो, चाहे वो आवारा पशुओं की समस्या हो, चाहे वो किसानों का दुख दर्द हो, चाहे वो मजदूर की मजदूरी हो, हर तरह से जो काम होता है वो एक बिना डरे बिना किसी परवाह किए हुए सिर्फ जनता के मुद्दों को उठाना, उनकी आवाज बुलंद करना, जो कहीं पिछड़े हैं, दलित हैं, जो कहीं पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उन लोगों की मदद करना, यही हमारा काम है और ये हम करेंगे, पुरजोर तरीके से करेंगे। और कौन नेता प्रतिपक्ष बनता है, कौन उस कुर्सी पर बैठता है, पर उसका पर्पज यही होगा, ये मैं आपको क्लियर कर दे रही हूं। समीर जी आपका काउंटर इस पर। देखिए अमित जी, अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था। देखिए अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश छोड़ के दिल्ली जाना कोई ऐसे ही नहीं है। चुनाव के अंदर जो उन्होंने चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने झूठ और फरेब के व्यापार किए थे और नफरत की खेती की थी, वो बहुत दिन नहीं टिक सकती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सशक्त नेतृत्व है योगी आदित्यनाथ जी का। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में हमारा आने वाले दिनों में निश्चित रूप से दुर्गति होने वाली है, इस नाते पहले से ही फेस सेविंग करने का एक तरीका, अभी प्रियंका जी महंगाई की बात कर रहे हैं, इनके नेता राहुल गांधी आलू से सोना उगाते हैं, वो कितने बड़े किसान और क्या जानते हैं ये तो उत्तर प्रदेश जानता है और देश जानता है। और रही बात शिवपाल जी की, अमित जी तो हम देखे हैं लोकसभा के चुनाव में शिवपाल जी चाहते कहीं और से थे, अंतिम में टिकट बदल के उनको कहीं और दे दिया गया, उन्होंने अपने लड़ने से मना कर दिया और अपने बेटे को चुनाव लड़ाया। मैं उस बहुत ज्यादा उस झगड़े में लफड़े में मैं नहीं डिबेट में जाना चाहता, लेकिन उत्तर प्रदेश जानता है कि कैसे अखिलेश यादव ने किस प्रकार से तिरस्कार किया था। मैं वो समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सशक्त नेतृत्व है, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेके अपना काम प्रारंभ कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है, तरक्की के साथ है, हम 75 जिले को बिजली देते हैं, हम 3 जिले को बिजली नहीं देते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। रही बात शिवपाल जी की, तो अखिलेश यादव की सरकार में जो सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार हुए थे, जो घोटाले हुए थे, उसमें शिवपाल यादव भी दोषी हैं। तो कहीं ना कहीं एक सिक्के के दो पहलू हैं, और भ्रष्टाचार जो समाजवादी पार्टी में हुआ था उसके बराबर के हिस्सेदार हैं, चाहे रामगोपाल जी हो, शिवपाल जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो। और ये परिवार के बाहर नहीं सोच सकते, इनका पीडीए से कोई लेना देना नहीं है, ये पीडीए के बारे में विचार नहीं करते हैं। इनकी सरकारों में जिस प्रकार से नौकरियां बेची जा रही थी, और प्रियंका जी तो खूब, कांग्रेस पार्टी इतनी नफरत फैलाने का काम करती है और वो बताती है कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अरे राहुल गांधी का बयान संविधान बदलने का, संविधान किसने बदला? कांग्रेस पार्टी ने बदला। प्रियंका जी आपका काउंटर भी मैं नेहा जी के पास जाऊंगा। हाई कोर्ट का हमला किसने किया? आप ये कह रहे हैं कि नफरत, आप ये कह रहे हैं कि नफरत फैला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, उनका काउंटर क्या एक बार सुन लीजिए। ओके समीर जी, प्रियंका जी आए कि प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि ये 4% मेरे जीते जी, ये 4% आरक्षण में मुस्लिमों को नहीं लेने दूंगा। आज चंद्रबाबू नायडू जी जो पूरी तरह से उनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए तो आपके आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और उसके बावजूद भी उनके साथ गलबैया कर रहे हैं। अब कहां गया वो नहीं दूंगा और नहीं करने दूंगा? हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो की तो चर्चा कर लो,
पिछले 70 साल लाइफ की चर्चा कर लो, 8,500 रुपए के लिए महिलाएं आपके कार्यालय खड़ी है, 8,500 रुपए के लिए महिलाएं आपके कार्यालय फार्म लेके खड़ी है, जो फर्जी फार्म भराया था आपने महिलाओं को दिया था, वो नारी शक्ति आपके कार्यालय खड़ी है, माफी तो मांग लो एक बार, माफी तो मांग लो प्रियंका जी। वो 8,500 कम मिलेगा, वो कर्नाटक में खड़ी है, वो लखनऊ में खड़ी है, वो दिल्ली कार्यालय पर खड़ी है, जगह जगह खड़ी है महिलाएं, ठीक है, जो आपने फॉर्म भरवाया था उस पर भी कुछ बोल दो, ठीक है समीर जी, एक साथ बोलने से किसी की भी आवाज नहीं आएगी। प्रभात जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, देखिए एक बात ये भी कही जा रही है कि चूंकि अभी 2027 विधानसभा चुनाव में समय है, तकरीबन 3 साल के आसपास का समय है, मतलब 2.5 साल से ज्यादा, और ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए विनिंग का जो मोमेंटो है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है, और अखिलेश यादव चाहते हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव तक दिल्ली में रहकर अपनी बात को ज्यादा मजबूती से रखा जा सकता है, अपने कार्यकर्ताओं में अपने नेताओं में ज्यादा जोश भरा जा सकता है, उस मोमेंट को बनाए रखा जा सकता है जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन के जरिए गेन किया है, इस वजह से वो चाहते हैं कि लखनऊ में न बैठकर दिल्ली में बैठा जाए। प्रभात जी देखिए अमित जी, आज की तारीख में 24 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी लगभग 200 विधानसभा सीटों पर खड़ी है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि उसका राजनीतिक ग्राफ कम हुआ है। जब विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ था तब 122 सीटें वो जीती थी और मुख्य विपक्षी दल के रूप में थी। इंडिया गठबंधन के साथ लगभग 225-230 विधायकों की पार्टी इंडिया गठबंधन दोनों कांग्रेस और सपा है। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा नेता सुटेबल रहेगा जो समाजवादी पार्टी के हर वर्ग को लेकर चल सके, हर लोगों को लेकर चल सके। देखिए अखिलेश का जो पीडीए का नारा था, अखिलेश दिल्ली रहेंगे, उनके परिवार के लोग हैं और बहुत कद्दावर लोग जीते हुए हैं, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उनसे जो रणनीतिक विफलता उनकी हुई है। मैंने आपके डिबेट में स्टूडियो में कहा था सबसे पहले कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन 11:30 बजे मैंने आपसे कह दिया था कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके भारी और उसके अलावा लापरवाही भारतीय जनता पार्टी की, और जिस तरीके से जो योजनाएं हुई योगी आदित्यनाथ ने बहुत काम किया, योगी आदित्यनाथ जी का गुड गवर्नेंस और कानून व्यवस्था बहुत बेहतर रहा, लेकिन यह हार क्यों हुई इसकी समीक्षा होगी और अभी संगठनात्मक बदलाव भारतीय जनता पार्टी में आपको 10-15 दिन के अंदर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में कि कौन से योगी आदित्यनाथ के साथ क्या कमान थी, कैसे उनको कमजोर किया गया, यह भी समीक्षा हो रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन हम समाजवादी पार्टी की जब चर्चा करते हैं तो शिवपाल यादव 2022 का जब विधानसभा चुनाव के पहले 2017 का जब चुनाव अखिलेश यादव हारे थे उस समय ही राम गोविंद चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया था, शिवपाल वहां डिजर्व करते थे कि शिवपाल के अंदर एक संगठनात्मक क्षमता है, अब पार्टी को लेके चलना और पार्टी को सारे एक सूत्र में पिरोए रखना, चाहे वो वरिष्ठ हो चाहे युवा हो, उसमें शिवपाल यादव नंबर एक पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पीडीए का फार्मूला भी चल रहा है, एक इंजीत सरोज जी का भी नाम चल रहा है, कुछ ये चल रहा है कि अगर माइनॉरिटी से किसी को लाया जाए, अब मान लो आजम खान पार्टी से चले गए वो जेल में है, लेकिन माइनॉरिटी में भी काफी विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, तो अब ये देखना होगा कि आखिर इस पर रिएक्शन लेता हूं। समीर जी आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले नेहा जी देखिए एक कहा जा रहा है कि पीडीएफ फॉर्मूले को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में भी अखिलेश यादव आगे बढ़ सकते हैं, और इसी क्रम में इंद्रजीत सरोज का नाम भी आ रहा है, इसी क्रम में रामचल राजभर का भी नाम आ रहा है, और जो संकेत प्रभात जी ने दिया कि किसी अल्पसंख्यक को भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर बिठाया जा सकता है उसमें भी कई नाम है, जैसे कमाल फारूकी का नाम चल रहा है, क्या यह संभव है कि दलित वोटों को अपने साथ और मजबूती से जोड़े रखने के लिए या जो वोटर नहीं आ पाए उनको भी अपनी तरफ शिफ्ट करने के लिए पीडीए को ही प्राथमिकता दे अखिलेश यादव, मतलब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर हम इंद्रजीत सरोज को देखें या फिर हम रामचल राजभर को देखें? देखिए अमित जी, समाजवादी पार्टी सर्व समाज को लेकर के साथ चलती है, इसीलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के फॉर्मूले को लेकर के आए थे और पीडीए को धरातल पे साकार किया है। समाजवादी पार्टी से सर्वाधिक महिला सांसद बनकर के आती है, जो जिस एक का अर्थ आधी आबादी भी था, समाजवादी पार्टी से सर्वाधिक पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक भाइयों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है।
और भारतीय जनता पार्टी को उसी पीडीए समाज से दिक्कत होती है। आज पीडीए समाज को हक अधिकार सम्मान अगर कोई दल दे रहा है तो समाजवादी पार्टी दे रही। निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति बनेगा समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति होगा, समाजवादी हितों का व्यक्ति होगा, जो हमारे संघर्षों को साथ लेके आगे चल सकता है वही व्यक्ति विपक्ष के तौर पे उत्तर प्रदेश के सदन में बैठेगा। हमने कहा कि जरूरी ये नहीं है कि कौन कुर्सी पे बैठेगा, जरूरी ये है कि कौन हमारी पार्टी की तरफ से कितना संघर्ष करेगा। हम सब हमारी पार्टी का एक एक विधायक अपनी विचारधारा के लिए, अपने मुद्दों के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति बनेगा निश्चित रूप से वो चाहे किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, एमएसपी लागू कराने का मुद्दा हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा हो, हर मुद्दे को लेकर के संघर्ष करेगा। तो विपक्ष की जो भूमिका है वो बाखूबी विपक्ष के तौर पे समाजवादी पार्टी के लोग निभाएंगे। तो ये जरूरी नहीं कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, जो भी बनेगा बता दिया जाएगा और पता ही लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को क्या ही परेशानी हो रही है, क्या ही दिक्कत हो रही है, जो भी व्यक्ति बनेगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत आवाज बुलंद करेगा। नहीं, किसी को दिक्कत और परेशानी नहीं है, सियासत में चर्चाएं होती रहती नेहा जी, ऐसा नहीं है। अब अगर अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है करहल सीट से, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इस पर तो चर्चा होगी ना कि उस कुर्सी पर कौन बैठेगा। बाकी समीर जी आप कुछ काउंटर करना चाहते हैं? मैं अपना जवाब देना चाहता हूँ। एक तो नेहा यादव जी जिस पीडीए की बात कर रही थी, इनका पीडीए सिर्फ नारा है, आज पीडीए का रूप चुनाव के बाद ही दिखने लगा है। देखिए उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, कानून का राज, विकास, इसको लेके उत्तर प्रदेश की जनता ने 17 में 19 में 22 में हमको बड़ा समर्थन दिया और 24 में भी हमको बड़े पैमाने पर समर्थन मिला है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं नेहा जी, आपका पीडीए दिख गया सहारनपुर में गुंडों ने क्या किया चुनाव के परिणाम के बाद, मुरादाबाद में क्या किया, और कल फिरोजाबाद में दबंग यादव ने एक दलित की पिटाई की सिर्फ इस नाते कि वो दलित था, और आपके पीडीए के नेता ने कोई जवाब नहीं दिया। आपके पीडीए के नेता ने मना भी नहीं किया यादव को कि दलित की पिटाई मत करिए, यही आपका पीडीए है। देखिए आपके भ्रम में, आपके झूठ, आपके फरेब में उत्तर प्रदेश की जनता एक बार आ सकती है, इसके पहले भी आई है। 2004 में, 2004 में समाजवादी पार्टी को 35 सीटें मिली थी अमित जी, लेकिन 2007 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरह पराजित हो गई और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। तो कहीं न कहीं लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि आपका पीडीए दलितों की पिटाई है, आपने जो कल दलितों की पिटाई की है बाहुबली यादव के द्वारा, दलितों की जो पिटाई हुई है वही पीडीए का सम्मान है। आपको प्रियंका जी आ रहा हूँ, समीर जी अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो पुलिस आपकी है, कानून व्यवस्था को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी, आप कार्रवाई करना, उसको सियासी मुद्दा बनाने से बेहतर है कि आप उस पर एक्शन लीजिए और बताइए कि देखिए इन्होंने दलित का उत्पीड़न किया और हमने कार्रवाई की। ठीक है प्रियंका जी आप कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन मैं एक सवाल भी जोड़ता हूं। ओके नेहा जी प्रियंका, नेहा जी और समीर जी प्लीज होल्ड ऑन, मैं प्रियंका जी के पास जा रहा हूं। प्रियंका जी क्या आगे की लड़ाई आसान हो जाएगी अखिलेश यादव के दिल्ली में बैठ जाने से, और जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन मजबूत रहे, पीडीए फॉर्मूले पर आप लोग आगे बढ़ते रहे और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लड़ाई साथ में लड़ी जाए, ये माना जाए कि ये साथ बहुत दूर तक जाने वाला है और 27वीं पूरी मजबूती के साथ अखिलेश और राहुल एक साथ बढ़ते रहेंगे, दिल्ली में जो जोड़ी बनेगी, जो जुगलबंदी होगी, उसका व्यापक असर 27वें लखनऊ में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा? अमित जी कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से और उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, तो मुझे कोई आवाज उत्तर प्रदेश से निकलकर दिल्ली गए और उत्तर प्रदेश को कॉल करती है तो अच्छा है उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। और मुझे लगता है कि ये आवाज बुलंद है और ये आवाज अब बुलंद होगी, क्योंकि हम बहुमत के साथ विपक्ष की। ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं फिर से आऊंगा आपके पास प्रियंका जी। समीर जी अभी जिस बात का जिक्र प्रभात जी कर रहे थे कि बहुत सारी सीटों पर जहां आपने ये अपेक्षा नहीं की थी कि वहां आपको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, वहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2019 में जीती गई तमाम सीटें इस बार आप लूज कर गए हैं। अभी तक किसी आकलन पर, किसी नतीजे पर आप लोग पहुंच पाए
क्योंकि समीक्षा का दौर तो चल रहा है, तमाम फीडबैक भी सामने आ रहे हैं, रिपोर्ट भी तैयार हो रही है, कुछ किसी निचोड़ तक पहुंच पाए आप लोग कि कहां पर चूक गए? नहीं, निश्चित रूप से अमित जी, हम जीत की भी समीक्षा करते हैं और हार की भी समीक्षा करते हैं। हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं, हम जाति और परिवार आधारित दल नहीं हैं। हम समीक्षा उसकी करते हैं, हमारी जो कमियां रहती हैं हम उसको दूर करते हैं। हम जीत की भी समीक्षा करते हैं और हार की भी समीक्षा करते हैं। हम नए सिरे से जो हमारी कमियां रह गई होंगी, हमने 80-80 का लक्ष्य लिया था, हमको जो कमी रही होगी हम उसको दूर करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, कई सीटों पर प्रत्याशियों को नहीं बदलना एक वजह रही। आज वजह अमित जी वजह कई हो सकती है, उन सब वजहों पर हम उसकी बातचीत करेंगे। हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित है, हम बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हम सब कार्यकर्ता, हम उसकी समीक्षा करेंगे, जो हमारी कमी होगी हम उसको दूर करेंगे। लोकतंत्र में जनता के निर्णय को हम सम्मान करते हैं, उस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, प्रियंका जी कांग्रेस की प्रवक्ता है, आज तक कांग्रेस पार्टी 3 चुनाव में जितनी सीट नहीं पाई है उससे ज्यादा सीट हमको मिली है। भाई कांग्रेस तो 100 सीट भी नहीं पाई, 99 सीट पाने वाली, 30 सीट पाने वाली, 20 सीट पाने वाली पार्टियां कर रहे हैं, सब हमको बहुमत नहीं। ये तो कुछ वैसा ही हो गया कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, अब वो इस बात से खुश हैं कि आपने 400 का लक्ष्य तय किया था, 400 तक नहीं पहुंच पाए। आप इस बात से खुश हैं कि 3 चुनाव में उन्होंने जितनी सीटें जीती है उससे ज्यादा आपने इस बार जीत ली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अब सभी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है कि अखिलेश यादव ने अगर दिल्ली का रास्ता पकड़ लिया है तो लखनऊ में उनकी जगह पर कौन बैठेगा और कौन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को निभाएगा, आने वाले दिनों में तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ देखने के लिए। खबरें जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।